ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। सामान्य रूप से हम सब जानते हैं एक वर्ष में चार नवरात्र आते हैं, चैत्र के अश्विन के तो प्रत्यक्ष हैं, मनाए जाते हैं सार्वजनिक रूप से, दो गुप्त आते हैं माघ मास में और आषाढ़ मास में। वैसे तो जिसमें भी हमारी आस्था हो, जिसमें भी देवता में हमारी श्रद्धा हो, हम किसी भी नवरात्रा में किसी भी देवी देवता की उपासना कर सकते हैं। साधना काल की साधना की दृष्टि से चारों नवरात्रा एक तरह से सिद्ध काल होता है। किसी भी मंत्र की उपासना किसी भी नवरात्रा में की जा सकती है। फिर भी मूल रूप से प्रत्येक नवरात्रा का अपना अलग एक अलग महत्व है और उसमें किसी विशिष्ट देवता की उपासना विशिष्ट फलदायी होती है। माघ मास के नवरात्रा जो गुप्त नवरात्रा माघी, उस पर चर्चा की हमने। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी बसंत पंचमी भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव दिवस माना जाता है और ये माघ मास की नवरात्रा सरस्वती उपासना के लिए श्रेष्ठ फलदायी होती, ये हमने पिछले वीडियो में इस बारे में चर्चा की। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं चैत्र मास के नवरात्र, जो चैत्र के नवरात्र आते हैं उनका क्या महत्व है, किसकी उपासना कैसे जो हमें विशिष्ट फलदायी हो। भारतीय ज्ञान विज्ञान हमारे सनातन धर्म का ज्योतिष वास्तु मंत्र विज्ञान आदि जो विषय है, एक छोटा सा निवेदन विषय पर आगे बढ़ने से पहले, इन्हें सहज सरल रूप से जैसा मैंने समझा गुरुजनों की कृपा से, उस तरह से मैं आम जन को समझाने सिखाने का प्रयास कर रहा हूं चैनल के माध्यम से। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को आप भी वीडियो भी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं विषय पर। चैत्र की नवरात्रा, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हमारा भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है, नव संवत्सर का प्रारंभ होता है, गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। उस दिन का विशेष महत्व, उस पर चर्चा करेंगे तो पूरा वीडियो ही उस पर हो जाएगा। हम उस बात पर चर्चा ना करके चर्चा करते हैं नवरात्रा का जो पक्ष साधना का उसके ऊपर। तो चैत्र की जो नवरात्रा है इसमें किसकी साधना विशिष्ट फलदायी होती है और क्यों, कारण क्या है उसका, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। प्रारंभ है ये वर्ष का और समय का प्रारंभ हम देखें तो जीवन का प्रारंभ कैसे होता, वो होता है हमारी आंख खुलने से। सूर्योदय होता है, हमारी आंख खुलती है तो जीवन का प्रारंभ। सूर्योदय ना हो, आंख ना खुले, कहते ना जब जागो तभी सवेरा, आंख ही ना खुले तो जीवन का अंत माना जाता है। तो सूर्यदेव का बहुत महत्व है। चैत्र मास में सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं, मकर संक्रांति निकल चुकी होती है, छह मास उत्तरायण रहते हैं। उनकी जो प्रखरता है, सूर्यदेव की जो चेतना है, जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो प्रखर रूप होती है थोड़ी सी। और जब वो छह माह दक्षिणायन रहते हैं वो थोड़ी सी उसमें जो प्रखरता में कमी न्यूनता आ जाती है। तो सूर्यदेव प्रखर, हमारे सनातन धर्म में जो देवी देवता प्रधान, उनमें से कौन से देवता, कौन से अवतार ऐसे हैं जिनका संबंध सूर्य से है, वो है भगवान राम। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, सूर्य वंश में जन्म के कारण उनका जो नाम है राम, र अग्नि बीज का अक्षर है राम, र अक्षर अग्नि बीज है। अग्नि का कार्य क्या है, अग्नि का कार्य ही धर्म ही क्या है, जलाना, भस्म करना। इसीलिए राम का नाम को तारक कहा गया है, वो हमारे संसार के जितने बंधन है सबको भस्मीभूत करके तारण के तारक बनते, तारण हार बनते भगवान राम। सूर्य का भी यही कार्य, अग्नि के प्रतीक हैं वो सूर्यदेव।
इसलिए वैसे तो अखंड रामायण का पाठ जिनकी श्रद्धा भगवान राम में है वो चारों नवरात्रा में से किसी में करते हैं, चारों में करते हैं, लेकिन राम की उपासना के, भगवान राम की उपासना के लिए रामायण पाठ के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है चैत्र की नवरात्रा। इसी चैत्र मास की नवरात्रा की जो शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है, वही भगवान राम के जो त्रेता युग में उनका रामावतार हुआ वही नौमी तिथि, उसी को हम भगवान श्री राम के जन्म के प्रादुर्भाव के दिवस के रूप में मनाते हैं। रामनवमी वो कब आती है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी को। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को रामायण पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। नौमी के दिन पूर्ण होकर के हवन आदि ब्राह्मण भोजन जैसी हमारी श्रद्धा हो वो करवाना चाहिए। करें कैसे, कोई विधान? सामान्य रूप से वैसे तो रामचरितमानस हम वाल्मीकि रामायण का पाठ भी कर सकते हैं, संस्कृत का हमारा पठन का यदि हमारा अनुभव अच्छा है तो वो भी कर सकते हैं। सरल सा रामचरित, चरित का अर्थ होता महिमा, रामचरितमानस अर्थात राम की महिमा का गुणगान का है, मानस मन से। तुलसीदास जी ने राम की महिमा का जो मन से गुणगान किया वही लिपिबद्ध स्वरूप किसमें रूप में देखते हैं हम? रामचरित मानस के रूप में। उसके नौ पारायण नौ दिन में पाठ करें। एक सामान्य सी व्यवस्था जैसी साधनाओं में सब में प्राप्त होती है वो यहां पर भी लागू होती है। कैसे? जैसे भगवती शक्ति के किसी भी स्वरूप की उपासना की जाए, दुर्गा उपासना में भगवान शिव को उनका पति रूप माना जाता है, दश महाविद्याओं में भी उनके दशी महाविद्याओं के अलग अलग भैरव हैं, दश शिव के अलग अलग रूप हैं, पहले उनका स्मरण उनको नमन किया जाता है, उसके बाद फिर भगवती के शक्ति के उन स्वरूप की उपासना करते हैं, और अंत में फिर भैरव का जैसे दुर्गा उपासना में पटु भैरव की उपासना अवश्य करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि भगवती दुर्गा मातेश्वरी शक्ति दुर्गा वो किसी का कोई काम नहीं करती, उन्हें करने की आवश्यकता भी नहीं है भाई, वो क्यों करेंगी? वो तो सर्वोच्च शक्ति हैं, वो तो कृपा करती हैं, अनुग्रह होता है उनका, और जिस पर वो अनुग्रह करती हैं उनके सारे कार्य बटुक भैरव करते हैं। इसीलिए दुर्गा उपासना बिना बटुक भैरव की साधना के पूर्ण नहीं होती। दुर्गा मंदिर में सामने भैरव जी का चपूतरा अवश्य मिलता है, यही कारण है। तो राम की उपासना में क्या है ऐसा विधान? इसमें भी कुछ नियम, थोड़ा राम की कृपा चाहिए, भगवान राम की। जीवन को, संसार को, संसार के जो बंधन, मुक्ति से प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन उपासना का यदि कोई है तो वह भगवान राम की उपासना। और मेरा सौभाग्य जो दीक्षा जिसको गुरु दीक्षा बोलते हैं विधान से, वैसे कई गुरुओं के अच्छे संतों की कृपा मुझ पर, कई शक्ति कृष्ण संप्रदाय में, शक्ति संप्रदाय में, लेकिन पहली गुरु दीक्षा मेरी रामानंद संप्रदाय में हुई। तो रामायण की उपासना, हमको राम की उपासना करने से पूर्व चैत्र की उपासना, जब राम की उपासना करें। कोई भी व्यक्ति ये चाहता है उससे पूर्व उसमें जो बड़े हैं, उसके श्रेष्ठ हैं, पूर्वज हैं, जो भी हैं, उनको सम्मान चाहेगा हर व्यक्ति। राम की उपासना से, राम के मंत्र के जप से पूर्व भगवान सूर्य का स्मरण नमन अवश्य करना चाहिए। तो रामायण के पाठ से पहले हम सूर्य गायत्री का एक माला जप कर लें, सूर्य देव के किसी स्त्रोत्र का पाठ कर लें, जवा कुसुम संकाशम काशपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम, यह बोल करके उनको नमन कर लें, और कुछ नहीं तो इतना तो कर ही लें। ओम श्री आदित्याय नमः, कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, भगवान सूर्य देव को नमन अवश्य करना चाहिए भगवान राम की उपासना से पूर्व। और उसके बाद भी नौपरायण का जो रामायण में दिए होते हैं विश्राम नौ, एक नवे दिन का नौ भागों में विभाजित होता है, वो पूर्ण पाठ करने के बाद जैसे शक्ति उपासना में शक्ति के साधक के कार्य बटुक भैरव करते हैं,
ऐसे ही भगवान राम की उपासना में जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाए उनको क्या आवश्यकता है किसी का कार्य करने की, उनके अनुग्रह को कौन देखते हैं? भगवान देखते हैं, हनुमान जी वो देखते हैं मेरे स्वामी की किस पर कृपा हुई। ये जो साधक है, ये जो उपासक है, जो मेरे स्वामी के नाम का स्मरण कर रहा है और मेरे स्वामी की इस पर कृपा हुई है, मेरे स्वामी का इस पर अनुग्रह हुआ है, जिस भी कार्य कामना की दृष्टि से हम वो भगवान राम की उपासना करेंगे, हमारा वो कार्य सिद्ध करेंगे हनुमान जी। इसलिए रामायण पाठ के बाद में हनुमान जी का स्मरण, पूजन, मंत्र, जाप आदि किसी भी स्वरूप में अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी के किसी मंत्र का जप कर लें, और कुछ नहीं, साधन समझ सर बहुत सहज सरल सा हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। तो प्रारंभ में सूर्य उपासना, बीच में भगवान राम की उपासना और बाद में फिर हनुमान उपासना, ये एक जिसको आज की भाषा में कहना पैकेज, ये कर लीजिए। आध्यात्मिक जीवन से जुड़ाव का, जीवन में कहीं मंत्र पूजा पाठ वगैरह जप आदि का कहीं कोई क्रम था ही नहीं। मेरे जीवन में जो प्रारंभ हुआ भानपुरा में, मेरी 10वीं मैट्रिक की परीक्षा के बाद भवानी मंडी से भानपुरा चला गया, मूल निवासी भानपुरा का हूं तो वहां चला गया, पिताजी के साथ काम करता था। वृंदावन से वहां एक धर्मशाला में एक बुजुर्ग पंडित जी आके विराजे थे, उनके साथ उनका पुत्र या शिष्य जो भी रहे होंगे। उस समय क्या होती ऐसी अवस्था, मैट्रिक का एग्जाम दिया, कामकाज की व्यवस्था आज से 50 साल पहले की बात पुरानी, क्या होगा जीवन का, थोड़ा प्रश्न पूछने क्या, एक नौकरी टेलीफोन ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था, लगी कि नहीं लगी, ये प्रश्न इसको लेकर के गया था। उन्होंने मुझे सबसे पहले प्रारंभ में जो मेरा किया वो, जिसको मार्गदर्शन में गुरु मानता हूं उनको, उन्हीं के मार्गदर्शन से, पहले गुरु तो वही है, उन्होंने मुझे रामायण पाठ का आदेश दिया। चैत्र के नवरात्र आने वाले थे कि चैत्र के नवरात्र, सौभाग्य मेरा समय माने कुछ भी कहा जा सकता है, चैत्र के नवरात्र आने वाले थे करीब महीने एक बर्बाद, उन्होंने कहा ये आने वाले हैं और इसमें आप नवरात्र में, चैत्र के नवरात्र में ये नौ पारायण, ये रामायण का पाठ करें। और पहली बार जो गुटका, एक गीता प्रेस गोरखपुर का मूल गुटका जो आता छोटा सा, उस समय शायद तो ₹125 में कुछ ऐसे ही आया था, वो लेके मैंने वो पहली बार, जिसको साधना के क्षेत्र था, मंत्र जाप के लें, स्त्रोत्र पाठ के लें, उपासना के लें, भगवान श्री राम की प्रारंभ की, वो योग काय से, रामायण पाठ से। संकल्प क्या था? संकल्प था, वही एक समस्या थी बहुत बड़ी, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी किस तरह से ये काम हो जाए। भगवान राम की ऐसी कृपा हुई, जीवन में बस वो एक ही फॉर्म भरा था, उसी फॉर्म पर जो इंटरव्यू, एक ही इंटरव्यू दिया, जो चाहता था वही नौकरी, मदनगंज किशनगढ़ में अजमेर के पास टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में 15 अगस्त 1968 को ज्वाइन किया मैंने। भगवान राम की ऐसी कृपा हुई। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ाव का वो पहला प्रारंभिक चरण भगवान राम की उपासना से हुआ। तो मेरा आपसे निवेदन यही, चैत्र के नवरात्र, वैसे तो जैसे मैं बोल चुका, किसी भी नवरात्र में किसी भी देवी देवता की उपासना की जा सकती है, लेकिन चैत्र के नवरात्र भगवान राम की उपासना के लिए श्रेष्ठतम काल होता है। तो 9 दिन में उपासना करें, 9 दिन का रामायण पाठ, राम भगवान राम के किसी भी मंत्र का जप भी कर सकते हैं संख्या विशेष में, जैसी हम निर्धारण कर लें, लाख सवा लाख जैसा हम चाहें। भगवान राम का जो मूल मंत्र है राम रामायण नमः, इसके आगे कई बीज लगते हैं, विभिन्न कई स्वरूपों में कामना के अनुसार कई बीज लग के कई मंत्र बनते हैं, और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं अलग से, आपको देख लेना चाहिए। यदि आप रुचि रखते हैं भगवान राम की कृपा प्राप्ति में, आपकी आस्था है, आपको भी वीडियो अवश्य देखना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति, धन प्राप्ति, यश प्राप्ति, रोग नाश, स्वास्थ्य की प्राप्ति, कुछ भी जो भी कामना है, अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग मंत्र बीज लग करके बने, वो अलग से विस्तार से वीडियो, वो आपको देख लेना चाहिए। तो पुनः निवेदन, यदि आपको मेरा कार्य
अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। भगवान राम की आप सब पर कृपा हो, आप सबके कार्य को भगवान हनुमान जी सिद्ध करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।